डोर ओपनिंग एनिमेशन, स्टंप एनिमेशन, बुक ओपनिंग एनिमेशन, एरो एनिमेशन, तो ये सब एनिमेशन बनाने के लिए हम लोग कैपकट एप्लीकेशन की यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ब्रांड न्यू वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो ये डोर ओपनिंग एनिमेशन देखने में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, तो देर किस बात की, चलो बनाते हैं। ऑल राइट, कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके इस इमेज को ऐड कर लिया हूँ एग्जांपल के लिए। एंड तुम लोगों को डोर एनिमेशन के अंदर जिस भी इमेज को दिखाना है उसको ऐड कर लेना। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वाले इमेज को ऐड कर लिया हूँ। तो अब हम लोग को यहाँ पर एक वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है एंड थोड़ा सा आगे आ जाना है, और जो ग्रीन स्क्रीन जो पार्ट है इसको रिमूव करना है। तो सिंपली स्क्रॉल करके जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में एंड क्रोमा की अप्लाई करके कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड इंटेंसिटी में चले जाना है और इसको पूरा फुल करके एंड शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करके और सही पर टिक कर देना है। तो इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर बैक आ जाते हैं एंड अब इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग का डोर एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है, यू कैन सी द रिजल्ट। ये स्टंप एनिमेशन पहले भी बता चुका हूँ, बट एक भाई ने कमेंट किया था दोबारा से बताने के लिए, तो वीडियो लेकर आ चुका हूँ। चलो बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। ओके, पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक न्यू टेक्स्ट को लेना है एंड अपने टेक्स्ट को लिखना है जो भी लिखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टॉप सीक्रेट। ओके, तो टेक्स्ट को लिख लेने के बाद सिंपली कलर भी दे देना अपने अकॉर्डिंग एंड इसको सिलेक्ट करना है और इसमें थोड़ा सा शैडो दे देना है। तो ओके, अब हम लोग स्क्रीन पर कहीं पर भी एक बार टैप कर देना है एंड इस वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेफ को लेना है, अराउंड कुछ इस तरीके से करना है। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद सिंपली जो इसका ऑफ सिटी है पूरा जीरो कर देना है एंड स्ट्रोक वाले ऑप्शन में चले जाना है और स्ट्रोक को इंक्रीज करना है अराउंड कुछ इतना एंड 15 कर लेने के बाद सिंपली इसका जो कलर है रेड कर लेना है एंड डन कर देना है। एंड उसके बाद सिंपली इसको सेलेक्ट करना है यहाँ से और शैडो वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें भी शैडो हम लोग दे देंगे। तो शैडो दे देने के बाद सिंपली इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना है और इसको अल्टर करके सेव कर लेना है और सेव करने के बाद सीधा कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और लाइट कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके अपने फोटेज को ऐड कर लेना है जिस पर स्टेप एनिमेशन देना चाहते हो। तो एग्जांपल के लिए फिर से मैं यही वाला इमेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैं इसी वाले इमेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक वीडियो क्लिप को ऐड करना पड़ेगा, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद सबसे पहले थोड़ा सा पर ओके वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है एंड चले जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में एंड इसको कलर का ओके वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है एंड उसके बाद कटआउट वाले ऑप्शन में चले जाना है और जो इसका ग्रीन स्क्रीन है इसको रिमूव करना है। तो सिंपली कलर को सिलेक्ट करना है, इंटेंसिटी में जाकर पूरा 100 कर देना है एंड शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करके डन कर देना है। एंड अभी भी कुछ ग्रीन पार्ट अगर रह जाता है सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे और एडजस्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है और HSL वाले ऑप्शन पर टैप करना है, ग्रीन वाले कलर को सिलेक्ट करके जो इसका सैचुरेशन है जीरो कर देना है और सही पर टिक कर देना है। तो जो भी ग्रीन वाला पार्ट रहेगा अब नहीं रहेगा। तो सिंपली अब करना क्या पड़ेगा, इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है। इतना हो जाने के बाद सिंपली हम लोग को करना क्या पड़ेगा, जो भी टेक्स्ट हम लोग पिक्सल में उसको बनाए हैं उसको ऐड करना है। तो ऐड कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट को ऐड करने के बाद सिंपली थोड़ा सा आगे आ जाना है और यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो एडजस्ट हो जाने के बाद सिंपली इस टेक्स्ट को पीछे हम लोग कैसे भेजेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करके जाना है लेयर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एंड लेयर ऑप्शन में चले जाना है एंड लेयर वन कर देना है, तो इसका बैक हो जाएगा। तो अभी भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाया, तो सिंपली इस वाले वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग का स्टैम्प एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, अगर इसको प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, ये बुक ओपनिंग एनिमेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, तो देर किस बात की, चलो फिर बनाते हैं। ऑल राइट, वीडियो क्लिप को ऐड करने के बाद दोनों फिंगर के मदद से कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है एंड थोड़ा सा आगे आना है, इसका जो ग्रीन स्क्रीन जो पार्ट है उसको हम लोग को रिमूव करना है। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रीन स्क्रीन पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आ जाना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है कटआउट वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर क्रोमा की वाले ऑप्शन में चले जाना है और कलर को सिलेक्ट करना है और इंटेंसिटी को पूरा 100 कर देना है एंड शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करके डन कर देना है। तो जो इसका ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड हम लोग को इमेज को सिलेक्ट करना है और दोनों फिंगर के मदद
इसे कुछ इस तरह से छोटा करना है और इसको बीचों बीच एडजस्ट करना है। सो एडजस्ट हो जाने के बाद सिंपली थोड़ा सा हम लोग को देखना है कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर जूम आउट वाला यहाँ पर देख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हम लोग को आ जाना है अराउंड यहाँ पर और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है इमेज वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर आ जाना है फ्रॉम यहाँ तक और यहाँ तक इसको देख लेंगे। सो यहाँ पर हम लोग को एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको पूरा फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है। ओके एडजस्ट हो जाने के बाद दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है एंड ग्राफ लाइगन में चले जाना है और एज इन 3 को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ऑलराइट कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करके इन दो इमेज को ऐड कर लिया है। तो अब मैं बताऊंगा एरो एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो सिंपली टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है एंड यहाँ पर ड्रॉ वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है एंड स्क्रॉल करके जाना है लास्टिंग में और इस एरो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड इसका साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना। जैसे मैं इसको इस तरह से एनिमेशन देना है तो बहुत ज्यादा बड़ा इसका साइज है, बैक कर देंगे एंड इसका जो साइज है हम लोग पूरा 1 कर लेना है एंड 1 करने के बाद अब इसको सिंपली कुछ इस तरह से एनिमेट करना है। एनिमेट हो जाने के बाद सिंपली यहाँ पर डन कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और वाइप राइट को सिलेक्ट कर लेना है और सही पर टिक कर देना है। तो फाइनली हम लोग का एरो एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है, तो प्ले करके देख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ।